हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग क्लास टेन के जो एन सी आर टी है इसके चैप्टर नंबर फाइव अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एंड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज इफ थर्ड एंड द एर्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सेवन एंड द सम ऑफ द सेवेंथ एंड द फोर्टीन टर्म इज माइनस थ्री फाइंड द टेंथ टर्म तो हमें गिवन है कि देखिए जो थर्ड एंड एट टर्म का जो सम है ठीक है किसी ए पी का थर्ड एंड एट्थ टर्म का जो सम है दैट इज सेवन तो हम लोग ए क्योंकि थर्ड टर्म है तो इसको हम ए थ्री ले लें ठीक है ए थ्री प्लस ए एट इनका सम क्या है सेवन है ओके okay. तो यहाँ पे ए थ्री को हम क्या ले सकते हैं बिकॉज वी नो दैट कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ए एन की वैल्यू यानी कि ए थ्री की वैल्यू हमें क्या मिलेगी ए प्लस थ्री माइनस वन करेंगे इट मीन्स टू डी ठीक है ये इसकी वैल्यू हो गई ए थ्री की देन हम ए एट की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस सेवन डी दिस इज इक्वल टू सेवन ठीक है ना अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो ए प्लस ए किया तो टू ए प्लस टू डी प्लस सेवन डी किया तो नाइन डी दिस इज इक्वल टू सेवन और इसको हम इक्वेशन नंबर वन एज्यूम कर लेते हैं ठीक है देन क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो ए पी का सेवनथ और फोर्टीन टर्म का सम है दैट इज माइनस थ्री तो ए सेवन यानि कि ए सेवन प्लस ए फोर्टीन ठीक है ए फोर्टीन इनका सम हमें दे रखा है माइनस थ्री के इक्वल तो ए सेवन को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस सिक्स डी लिखेंगे ओके एंड ए फोर्टीन को हम क्या लिखेंगे ए प्लस थर्टीन डी तो इनका सम किसके इक्वल होगा माइनस थ्री के इक्वल होगा सो ए प्लस ए किया तो टू ए प्लस नाइनटीन डी इज इक्वल टू माइनस थ्री इसको हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं ठीक है देन हम इक्वेशन वन एंड टू इसको लेके के, के सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो फर्स्ट इक्वेशन इज टू ए प्लस नाइन डी इज़ इक्वल टू सेवन एंड सेकेंड इक्वेशन इज टू ए प्लस नाइन्टीन डी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री तो यहाँ पे हमने माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे सपरेट करना है तो साइन चेंज कर लिया माइनस माइनस एंड यहाँ पे हो गया प्लस तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए हमें वैल्यू क्या मिल रही है माइनस टेन डी इज़ इक्वल टू टेन एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन अपॉन माइनस टेन इट मीनस माइनस वन की वैल्यू मिलेगी ओके okay, तो यहाँ पे डी इज़ इक्वल टू माइनस वन ये वैल्यू हमें मिली अब d मिल है अब डी की वैल्यू मिल गई है अब डी की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर लें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन इज टू ए प्लस नाइन डी इज़ इक्वल टू सेवन है तो टू ए प्लस नाइन इन द ब्रैकेट माइनस वन इज़ इक्वल टू सेवन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ए माइनस नाइन इज इक्वल टू सेवन टू ए इज़ इक्वल टू सेवन प्लस नाइन इज़ इक्वल टू सिक्सटीन सो दिस एम्प्लाइज दैट कि ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू इट मीनस एट ठीक है ए की वैल्यू एट है एंड डी की वैल्यू माइनस वन है तो हम टेंथ वाला टर्म निकाल सकते हैं ठीक है तो ए टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए टेन इज इक्वल टू ए ए की जगह पर हम क्या रखेंगे एट को रखेंगे प्लस टेन माइनस वन किया ठीक है टेन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी माइनस वन तो एट यहाँ पे इनको सब किया तो वैल्यू क्या आ गई नाइन नाइन इंटू माइनस वन तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी एट और नाइन को माइनस वन से करेंगे तो माइनस नाइन वैल्यू मिली ठीक है इट मीन्स ए टेन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है माइनस वन के इक्वल मिल रही है सो so, ये हो गया आंसर now sixteen question is find the twelfth term from the end of the AP पी माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एंड माइनस हंड्रेड ठीक है minus hundred is the last term of this ए पी यहाँ पे क्योंकि हमें आ, end से एंड से ट्वेल्थ वाला टर्म बताना है तो हम क्या करेंगे क्योंकि एंड से बताना है तो हम लोग इसी सीरीज को रिवर्स कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे न्यू ए पी इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू ओके अब क्योंकि हमें अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल रहा है माइनस हंड्रेड का मिल रहा है एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं डी की वैल्यू इज़ माइनस फोर माइनस माइनस सिक्स किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं तो माइनस फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू तो हमें क्या निकालना है ट्वेल्थ वाला टर्म निकालना है तो ए एन इज़ इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी तो यहाँ पे बिकॉज हमें ए ट्वेल्व की वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू है माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेल्व माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू इट मीन्स माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेल्व माइनस वन किया तो इलेवन इलेवन मल्टीप्लाई बाय टू इट मीन्स माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी टू तो ए ट्वेल्व की वैल्यू हमें क्या मिली है माइनस सेवेंटी एट ओके तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ट्वेल्थ टर्म सो दिस इज़ द आंसर आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय